नेक्स्ट है कोलन काइमा। तो कोलन काइमा में जो कोलन काइमा सेल्स होते हैं ये जो है मच थिकेंड होते हैं कॉर्नर से। क्यों? क्योंकि कॉर्नर्स पे जो है वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की डेपोजिशन होती है। तो कोलन काइमेटस सेल्स बोलेंगे इनको। कोलन काइमेटस सेल्स जो है ओवल शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, और कई बार इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से ये असिमिलेट कर लेते हैं फूड पार्टिकल्स को, ठीक है, जिसकी वजह से इनके पास क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। क्योंकि इसमें डेपोजिशन हो जाती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज की, जो इंटर सेलुलर स्पेसेस होती है वहाँ पे, तो इंटर सेलुलर स्पेसेस जो हैं इसमें एबसेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि उन स्पेसेस पे क्या डिपॉजिट हो जाता है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन। और ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है जो पौधे के ग्रोइंग पार्ट्स हैं उनको प्रोवाइड करती है, जैसे कि यंग स्टेम को और लीफ के पीटियोल को स्पेशली, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्लीरन काइमा। स्क्लीरन काइमा सेल्स जो हैं ये लॉन्ग होते हैं, नैरो सेल्स होते हैं, थिक लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, यानी कि स्क्लीरन काइमा के सेल्स में लिग्निन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके जो है लिग्निन होता है और सेल वॉल्स में जो है बहुत सारे पिट्स प्रेजेंट होते हैं, पिट्स के थ्रू जो है मूवमेंट होती है मटीरियल के। और स्क्लीरन काइमा सेल्स जो है वो डेड होते हैं, इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लीरन काइमा में भी आइदर फाइबर्स और स्क्लीराइड्स। कह रहे हैं कि स्क्लीरन काइमा या तो फाइबर्स हो सकते हैं या फिर स्क्लीराइड्स होते हैं। तो फाइबर्स जो हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, पॉइंटेड सेल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर में बताया गया है, ठीक है। तो ये जनरली जो हैं वो कैसे सेल्स होते हैं, कई बार ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं, ठीक है, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द स्क्लीराइड्स, दूसरी तरफ स्क्लीराइड्स हैं, ये जनरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, ओवल सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, हाईली थिकेंड होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, बहुत नैरो इनमें ल्यूमन होता है, ये ल्यूमन जो है वो नैरो होता है और इनका ल्यूमन जो है वो वाइट होता है। देन दे आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, नट्स होते हैं जैसे, तो उनकी फ्रूट वॉल्स में ये स्क्लीराइड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। देन पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गावा, गावा की पल्प में पाए जाते हैं, पियर में, ठीक है, स्पोटा में। देन सीड कोट्स जो हैं कुछ लेग्यूम्स के और टी के लीव्स में भी ये स्क्लीराइड्स पाए जाते हैं। स्क्लीरन काइमा का मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ऑर्गन्स को। देन उसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आ जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो है वो जाइलम और फिलोएम आएगा। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है, तो ये इकट्ठे ही काम करता है, दे वर्क टुगेदर, ठीक है, एज अ यूनिट, यूनिट की तरह काम करता है। तो जाइलम और फिलोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है प्लांट के बीच में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जाइलम को। जाइलम फंक्शन करता है कंडक्टिंग टिश्यू की तरह वाटर और मिनरल्स के लिए, ठीक है। तो जाइलम जो है वो क्या होता है कि जैसे पौधे की जो रूट्स हैं, ठीक है, पौधे की जो रूट्स हैं वो सारे के सारे जो कंडक्शन है वो कहाँ से करेगी? देखो, अगर जाइलम है तो आपको पता है कि जाइलम वाटर की एब्जॉर्प्शन करता है, तो वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू जो है वो पौधे तक पहुँचेगा, ठीक है। और जो अगर फिलोएम ने कंडक्शन करनी है तो वो लीव्स के थ्रू रूट्स की तरफ को करेगा, ठीक है। तो जाइलम, ये इसका एक और काम है कि स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है स्टेम को, लीव्स को। ये फोर टाइप्स के सेल से बना होता है, नेमली ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। देन जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनमें जो है वो वेसल्स नहीं होती है। जिम्नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। उसके बाद ट्रैकीड्स होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं, और टेपरिंग एंड्स होते हैं, टेपरिंग मतलब तीखे इनके एंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे इस तरह से जो हैं वो इनके एंड्स जो हैं यहाँ पे तीखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है वेसल। वेसल कैसी होती हैं? वेसल्स जो हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वेसल्स का। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा उनका वेसल्स का। देन वैसे लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है मेड ऑफ मेनी सेल्स। इनमें बहुत सारे सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, कॉमन वॉल्स उनमें प्रेजेंट होती हैं, परफोरेशंस होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो हैं वो कनेक्शन बनाते हैं सेल्स जो है। नेक्स्ट वैसे, देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक दूसरे के साथ जो हैं वो परफोरेशंस के साथ, यहाँ पे जो है परफोरेशंस होती हैं जिनके थ्रू ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। देन जाइलम, जाइलम फाइबर्स जो हैं वो हाईली थिकेंड वॉल्स होती हैं उनकी। ये सारा हमने नाइन्थ में किया भी हुआ है, ठीक है, जाइलम फाइबर्स हैं, हाईली थिकेंड वॉल्स होती हैं इनकी। देन जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो लिविंग होते, थिन वॉल्ड होते हैं, इनकी जो सेल वॉल्स हैं वो सेलोज से बनी होती हैं।
तो एक टर्म आती है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम होता है फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, और द लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एज द मेटाजाइलम। उसके बाद है कुछ स्टेम्स में जो है वो प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ को होता है और मेटाजाइलम जो है वो पेरीफ्री की तरफ होता है। तो ऐसे ऑर्गन्स को ऑर्गन्स में जो जाइलम की कंडीशन होती है एंड आर्च होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को याद कर लेना बेटा। देन रूट्स के केस में क्या होता है कि प्रोटोजाइलम जो है वो पेरीफ्री की तरफ होता है और पेरीफ्री की तरफ होता है और जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ होता है। तो कंडीशन कौन सी होती है? एक्सार्च। तो कई बार वन मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सार्च एंड एंड आर्च एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। ठीक है, तो ये आपने याद करना है अच्छे से। देन उसके बाद है फिलोएम, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं।